बहुत टाइम से आई वॉज प्लानिंग कि हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो सारे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विराट सिंह सिद्धू और आप लोग देख रहे हैं मेरा फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। ये बाइक सेटअप, फ़ोन, कैमरा और ये सब देख के ऑलमोस्ट काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं व्हाट एग्जैक्टली आई एम इनटू। तो फॉर दोज हु डोंट नो, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड जस्ट मोटो व्लॉगिंग नहीं होगी, क्या हमारे प्लान्स हैं, किस वे में हम करेंगे मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ और क्या हमारे प्लान्स हैं, वो सब डिटेल में मैं वीडियो डालूँगा। फॉर नाउ जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे भाई सभी अभी नोन्स ही होंगे मेरे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है सबको कि गाइस प्लीज़ शो सम लव, सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल अभी स्टार्ट करा है मैंने। आई एम रियली वेरी न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था यूट्यूब में आने के लिए, काफ़ी प्लान्स थे बट वो जस्ट प्लानिंग्स तक ही रहता रहा। बथेरी चीज़ें प्लान आउट करी बट कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था क्योंकि निकल नहीं पा रहे थे। तो वो होती है ना, एक वाइब चाहिए होती है तुम्हें घर से निकलने के लिए कि जैसे ही वो किक मिली वैसे ही मतलब घर से निकल लिए। तो प्रोसेस करते करते दिमाग में बस यही आया कि भाई अगर यही सोचते रहना तो साला ज़िंदगी में कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले फॉर दोज हु डोंट नो मी, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है कॉल्ड होशियारपुर। काफ़ी लोग इस नाम से अवेयर होंगे, काफ़ी अनअवेयर होंगे इस नाम से। होशियारपुर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, बाकी सारे लुधियाना, जलंधर, अमृतसर सारे कनेक्टेड हैं, मतलब एक के बाद एक हाईवे पकड़ लो और सारे एक के बाद एक आ रहे हैं। होशियारपुर थोड़ा साइड में पड़ जाता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस सिटी। अगर आप चिंतपुर्नी जा रहे हो यहाँ से होते हुए, ठीक है, तो आपको होशियारपुर क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। चिंतपुर्नी, हिमाचल, मनाली, एक चंडीगढ़ साइड से रास्ते काफ़ी है बट एक रास्ता उनमें से होशियारपुर से भी होके जाता है। तो वही चीज़ है कि कई लोगों को इस सिटी के बारे में नहीं पता। तो यही हमारा मोटिव है, हम एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। पहले था हमारा प्लान कि मोटो व्लॉगिंग करनी है, फिर एक साइड पे हम लोग सोच रहे थे कि फूड इंडस्ट्री में कुछ करने का, बट वो चीज़ें अभी के लिए, अगर जैसे हमने स्टार्ट ही करा भाई खड्डे, तो जैसे हमने स्टार्ट ही करा तो ऑब्वियस ही बात है हमारे लिए वो चीज़ें मैनेज करना दैल बी अ बिट टफ, वोंट बी अ केक वॉक आई नो, बट जिस वे में हमने चीज़ें प्लान आउट करी हैं तो होपफुली वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। तो ऑल वी नीड इज़ योर लव, योर सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट करते रहे तो फॉर्चुनेटली चीज़ें उस मुकाम तक, उस वे में जिस वे में हमने सोची है उस वे में आपके सामने हम लोग लेके आएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी लोग जो देख रहे होंगे होशियारपुर से भी होंगे तो दे मस्ट बी फेमिलियर विद दिस रोड कि ये कौन सी रोड है, कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो ये एग्जैक्टली होशियारपुर से इसको टांडा रोड बोलता है। तो
जिन लोगों के घर, जिन लोगों की कुछ भी बिजनेसेस इस रोड पे हैं, वो दे मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस रोड। कुछ हमारी यादें जुड़ी हैं क्योंकि मेरा गांव जहाँ पे हम लोग रहते थे वो भी इसी रोड के ऊपर पड़ता है। तो वही बात है। एक पता है क्या, ये चीज़ सामने देख के, मतलब बाइक पे मैं बहुत टाइम बाद इस रोड पे निकला हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। कभी गाड़ी उठाई, गांव जाना तो गाड़ी उठाई, पहुँच गए। बट बाइक पे जाने का मतलब अब समझ आ रहा है कि जो व्यूज़ हम गाड़ी में से देखते रहे हैं ना, वो बहुत डिफरेंटली तुम्हारे सामने आते हैं। बाइक पे होते हो तुम, ईच एंड एवरीथिंग तुम बहुत डिटेल में देख रहे हो। अब कई चीज़ें ऐसी, अब ये नर्सरी है, कभी ध्यान में नहीं गया होगा कि यहाँ पे कोई नर्सरी भी एग्जिस्ट करती है। तो गाइस पहले तो ये चीज़ देखो, व्हाट अ व्यू। ये है मेरे भाई पंजाब। ये चीज़ें मिलती भी गांव में ही है भाई। तब आप सिटीज पे जब हाईवे पे होते हो ना, जब आसपास देखते हो कि खेत है वहाँ पे, ये है तो वहाँ पे ये बात नहीं बन पाती भाई। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर कि भाई लोग, ये मेरा गांव नहीं है। मेरा गांव आगे आता है तो इतनी दूर मैं नहीं जाऊंगा। मैं राइड के लिए निकला था, चीज़ें फर्स्ट व्लॉग अपलोड कर देता हूँ, मैं उस वे में निकला था। तो चलेंगे इन फ्यूचर, चलेंगे, दिखाऊंगा अपनी चीज़ें, अपना गांव भी दिखाऊंगा मैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग वापस हाईवे पे आ चुके हैं। ये सीधा सिटी में एंटर करेंगे हम यहीं से। ये आगे से ही हमने आते हुए इधर को लेफ्ट ले लिया था, तो हम लोग उस गाँव से होके वो कहीं इधर से ही वो कोई रोड आती है जहाँ से हम लोग अभी आए। तो बाइक से ही परफॉर्म कर रही है भाई, उम्मीद थी नहीं क्योंकि इसका अभी स्पीड भी ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बाइक खड़ी थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, जो धीरे धीरे काम कर रहा हूँ मैं उन सब पे। तो जो भी फर्स्ट लॉन्ग राइड मैं प्लान करूँगा तो पहले बाइक का जो भी काम है पहले वो निपटा लेता हूँ, उसके बाद जो भी प्लानिंग्स होंगे वो करेंगे और आप लोग उनके साथ मिल के वो लोग वो चीज़ें डिसाइड करेंगे। अब जैसे जैसे मैं सिटी की तरफ आ रहा हूँ, मौसम गर्म हो रहा है, हवा गर्म लग रही है। ये डिफरेंस है गांव में रहने का और सिटीज़ में रहने का। सिटीज़ में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होशियारपुर ऐसी जगह है, यहाँ पे पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम है। दूसरी चीज़ कि ये हिमाचल की फोर्ट हिल्स में ये सिटी है, तो इतना कुछ यहाँ पे पोल्यूशन इतना है नहीं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। ग्रीनरी ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग वापस सिटी में एंटर कर चुके हैं। अभी मैंने कैमरा सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया, 4K में बैटरी बहुत ज़्यादा खा रहा था कैमरा, तो मैंने 1080 60 FPS पे कर दिया। इसका हॉर्न भी मेरे को करवाना पड़ेगा यार, साला मजाक ही लगता है कई बार, वाला बुलेट के नाम पे कलंक है इसका हॉर्न। तो हम लोग एंटर कर गए हैं मेन सिटी में। ये है मॉडल टाउन, और किसी टाइम ये स्ट्रीट के बिल्कुल पीछे वाली स्ट्रीट पे हम लोग, मेरा घर होता था पहले, यहीं पे रहते थे हम लोग, तो बाद में हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया था। जितने भी होशियारपुर के हैं मेरे भाई लोग देख रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस ग्राउंड, कि कौन सी ग्राउंड है ये।
ये रोशन ग्राउंड है और यहाँ पे कुछ टाइम से तो मेरे भाई ऐसे चल रहा है ना जी, ये क्राफ्ट बाज़ार इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है ना यहाँ पे कि कब से ये लग रहा है, मतलब इनको भी शायद से ये चीज़ समझ आ गई है कि भाई होशियारपुर से ज़्यादा ये साला कहीं भी नहीं चलेगा, क्योंकि होशियारपुर ऐसी सिटी है कि मतलब वो टू डू वाली थिंग्स होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो जब कुछ ऐसा मेला लगता है, कुछ क्राफ्ट बाज़ार या फिर ट्रेड फेयर ऐसा कुछ होता है ना, तो काफ़ी लोग पहुँच जाते हैं। तो हम लोग ये हैं बस स्टैंड के बिल्कुल पास, ये राइट साइड में बस स्टैंड है होशियारपुर का। ये इंटरस्टेट ही है शायद से। तो पहले तो गाइस एक डू लेट मी नो कि मेरा ऑडियो कैसा आ रहा है आप लोगों तक, और क्या वीडियो क्वालिटी आप लोगों तक आ रही है, और अगर मेरे को एंगल चेंज करना है तो प्लीज़ गाइस मेरे को कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। अरे पहले तो हॉर्न का काम करवाऊंगा यार मैं, ये अरे हो साले ऐसा तो लूना का भी नहीं होता, पानी पड़ पड़ के दो लगे हुए हैं साले, शर्म कर ले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू गाइस टुमारो, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। और बस यही रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने पहले बोला था कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है अभी, जर्नी बस स्टार्ट हुई है, ऑल वी नीड इज़ योर लव योर सपोर्ट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।